गोरखपुर मंडल में बाढ़ से पूर्व बचाव की तैयारियों के संबंधित बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने मंडल बाढ़ से बचाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक करते हुए निर्देश दिया कि सभी कार्यों को समय से पूर्ण करा लिया जाए और सभी विभाग आपसी सामंजस्य बनाकर कार्य करें, जिससे किसी भी स्तर पर कोई कठिनाई न आए। उन्होंने सिंचाई विभाग, पशुपालन, लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा, पंचायती राज आदि विभागों से तैयारियों की जानकारी हासिल की। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि जो तटबंध संवेदनशील है उन पर विशेष निगरानी रखी जाए और वहां पर बाढ़ से बचाव की पूरी तैयारी भी रहे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ से बचाव के लिए जो भी तैयारियां करनी है चुनाव को ध्यान में रखते हुए समय से पूर्ण कराया जाए। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि बाढ़ के समय मीडिया को जानकारी देने के लिए नोडल अधिकारी भी नामित किया जाए, जिससे समय से सही सूचना मीडिया को मिल सके। उन्होंने बाढ़ से बचाव के लिए स्वयं सहायता समूहों को कार्य योजना में शामिल करने पर बल दिया। उन्होंने नावों, लाइफ जैकेट, चारे की व्यवस्था, क्लोरीन की गोलियां आदि उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बैठक में अपर आयुक्त अजयकांत सैनी, एडीएम वित्त व राजस्व विधान जायसवाल सहित अन्य जनपदों के अपर जिलाधिकारी, आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता एवं संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। हमारे पास समय है, मैं समझता हूँ कि कई स्कीम आपकी सेंक्शन हुई है, कई पाइपलाइन में है, कई हो सकता है चुनाव कार्यकर्ता की वजह से ना हो पाई हो, कई फेसिंग के काम सेंक्शन हुए हैं, जो भी इशू है वो हम आपके साथ अभी डिटेल्स में डिस्कस कर रहे हैं, समझते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी नियुक्त के रूप में बड़े व्यस्त चल रहे हैं, तो हमें पता है इसकी एडीएम यहाँ पर है और वो लोग आप मैसेज जो है ये साहब को दे रहे हैं। प्रयास ये होना चाहिए कि जो भी हमारे संसाधन हैं, चाहे वो उस दिन हमारा जो प्रेजेंटेशन हुआ था, उन संसाधनों को लेकर हमें ऐसा अपना प्लानिंग करनी चाहिए कि जब पानी आए तो हमारा सीजन आए तो समय जनमानस को कोई तकलीफ ना हो और उनको समय रहते चीज़ें बता दी जाए और जो भी हमें सुविधा देनी है, चाहे वो वोट की हो, चाहे सप्लाई से राशन की हो, चाहे हेल्थ से दवाओं की हो, वो सारी चीज़ें फॉर एग्जाम्पल पशुपालक में भी हैं, आपके जो पशु लोग हैं उनको सूखे चारा देने की है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो अभी से आप लोग जो है उस पर ध्यान दें। मुझे उम्मीद है कि जिलाधिकारियों ने अपने स्तर पर बैठक कर ली होगी या कर रहे होंगे, यदि उन्होंने आने की कर ली है तो डीएम साहब हम लोग मुझे उसके बारे में भी बता दें। तो पहले आप विभाग द्वारा जानने की कोशिश करते हैं कि ये ना हो कि जब जुलाई में कुछ समस्या हो, अगस्त में समस्या हो रही, तब आप कहें कि सर ये तो हुआ नहीं, हमने कोशिश की कि हेडक्वार्टर से नहीं आए, तो हम भी आपकी समस्या समझ में चाहिए। इससे थोड़ा सा ये आपका एरिया पूरी चीफ टेबल पे मैं तैयारियों का बहुत रखूँ।